हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो अभी जो आपके सामने फेसबुक पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूँ। इस पेज का ऑनर का जो क्वेश्चन है वो है कि ये पेज ऑलरेडी ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज होने के लिए सारे क्राइटेरिया गाइडलाइंस फुलफिल कर चुका है, मगर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ब्रांड कोलाब से मोनेटाइज करने का। ऐसा क्यों? तो ये क्यों जो है इसको आज ढूंढूंगा और उसी के साथ पूरा पेज का एक हेल्थ चेकअप लूंगा, ताकि इस पेज के ऑनर को और बाकी देखने वाले हर दर्शक को कुछ ना कुछ सीख आज के इस वीडियो से मिले, तो ना कि आपको बोर। चलिए आज के इस वीडियो का हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं नीचे देखता हूँ कितना फॉलो है, तो इस पेज का जो अभी फॉलो है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7,243, मतलब 7,000 से ज़्यादा फॉलो इस पेज पे है। और ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज होने के लिए हमको चाहिए 1,000 फॉलो, जो कि ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। उसी के साथ पोस्ट रीच भी वीकली बेसिस पे 46,000 से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा खासा है नए पेज के मुताबिक। मगर इस पेज का मोनेटाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है ब्रांड कोलाब से, ये जानने के लिए मैं चला आया क्रिएटर स्टूडियो पे। तो क्रिएटर स्टूडियो ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे देख सकते हो। अब चला जाऊँगा मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हो, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन कुछ भी नहीं हुआ है, नो मोनेटाइजेशन वायोलेशन लिखा हुआ है, जो कि एक अच्छा बात है। उसके बाद मैं चला आता हूँ ब्रांड कोलाब टूल, जो कि सबसे पहला टूल होता है मोनेटाइजेशन करने का ब्रांड कोलाबोरेशन के हवाले से। इसके लिए ही हमको 1,000 फॉलो होना चाहिए, तो ये तो हो चुका है और उसके साथ एंगेजमेंट भी अच्छा खासा है। मगर फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड कोलाब से मोनेटाइजेशन करने के लिए जो क्राइटेरिया है, ये लैंडमोर ही शो हो रहा है, मतलब मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। और उसी के साथ नॉर्मल केस में जैसे ही आप पेज को ओपन करते हो मोनेटाइजेशन वाला टैब पे क्लिक करके, तो यहाँ पे ओवरव्यू पे हर एक क्राइटेरिया, मतलब ये 1,000 फॉलोअर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो ग्रीन ऐसा टिक मार्क आता है, फिर एंगेजमेंट हुआ तो इसमें एक टिक मार्क आता है ग्रीन, और उस लास्ट में रहता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो कि वो भी ग्रीन होना होता है, क्राइटेरिया दिखाते हैं। मगर इस पेज के केस पे ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा है, जबकि पेज तो सिलेक्टेड है मगर ये शो नहीं हो रहा है। ये भी इस पेज के ऑनर का एक क्वेश्चन था और देखने वाले हर एक दर्शक का ये डाउट रह सकता है। अब मैं चेक करूंगा इस पेज का मोनेटाइजेशन क्यों नहीं हुआ है, या फिर क्राइटेरिया भी क्यों नहीं शो हो रहा है, कॉम्प्लीट है कि नहीं है, क्यों शो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा पॉलिसी पे कुछ इशू है कि नहीं। तो पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट वायोलेशन पूरा नील है, कोई भी रिसेंट वायोलेशन नहीं हुआ है। और उसी के साथ पेज क्वालिटी कैसा है ये भी एक बार चेक कर ही लेता हूँ। तो मैंने पेज क्वालिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो पेज क्वालिटी भी बिल्कुल ग्रीन है। तो मोनेटाइजेशन फिर क्यों नहीं हो रहा है ब्रांड कोलाब से, जबकि क्राइटेरिया फुलफिल है, उसके बाद गाइडलाइंस भी मान के काम किया है, मगर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस पेज के ऑनर ने मुझे एक बात बताया था कि ये पेज जो है बहुत ही रिसेंट क्रिएट किया हुआ है, तो इस बात से मुझे एक डाउट क्रिएट हुआ कि ये पेज कब क्रिएट हुआ है। तो मैं चला आया पेज के एकदम होम पेज पे, और बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर पेज का कब क्रिएट किया है, भूल गया, उसको चेक कैसे करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी आज डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे ही पेज के होम पेज पे आना है, आने के बाद थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके जाना है, नीचे ड्रैग करके जाते रहना है। थोड़ा सा जाने के बाद आपको दिखने के लिए मिलेगा पेज ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पर ही नीचे लिखा हुआ रहता है पेज कब क्रिएट हुआ है। तो ये जो पेज है जनवरी 20 को क्रिएट हुआ है, और अब जब मैं हेल्थ चेकअप कर रहा हूँ आज है फेब्रुआरी 23, तो एक महीने ही हुआ है इस पेज का क्रिएट हुए। तो एक महीने टाइम पे फेसबुक पेज का एस्टैब्लिशमेंट फेसबुक एनवायरनमेंट पे क्रिएट नहीं होता है। फेसबुक पेज का एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट होने में एटलीस्ट 90 डेज का टाइम लगता है, और जब तक 90 डेज नहीं होता है तो फेसबुक एनवायरनमेंट पे फेसबुक पेज का एस्टैब्लिशमेंट प्रेजेंस नहीं होता है। जिसके वजह से क्रिएटर स्टूडियो पे जाता हूँ तो क्राइटेरिया जो है, जो कि नॉर्मल केस पे ओवरव्यू पे क्लिक करने पे क्राइटेरिया शो करना था कि कौन सा कंप्लीट हुआ है, ग्रीन कलर ऐसे दिखाने था, वो भी इसी वजह से शो नहीं हो रहा है। तो इस पेज के ऑनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उस पे जाके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का हर एक रूल्स को सीखिए, जानिए। इस पेज के ऑनर को भी
ये सारे रूल्स मालूम नहीं है, इसीलिए ऐसा डाउट आया है, नहीं तो पहले ही मालूम होता। पेज प्रेजेंस एस्टेब्लिश होने को लिए 30 डेज का टाइम लगता है, उसी के बाद पेज प्रेजेंस एस्टेब्लिश होने के बाद ही आप कोई भी टूल से मोनेटाइज कर सकते हो, उससे पहले किसी भी टूल से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। भले आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, भले आप सारे गाइडलाइंस को मान के काम करो, मगर पेज एस्टेब्लिशमेंट सेट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस पेज के केस पे नहीं हुआ है। ये तो रहा क्यों मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है, क्यों क्राइटेरिया ऑप्शन नहीं आ रहा है, मगर इस पेज पे मैंने इससे भी बढ़ के थोड़ा मिस्टेक देखा है, जो कि हमेशा होता है कंटेंट पे। तो मैं कंटेंट पे आ गया, तो ये जो पेज है ये क्या कर रहे हैं, इमेज पोस्ट ही कर रहे हैं। इस पेज पे मैंने वीडियो पोस्ट बेसिकली देखा नहीं है, फिर भी चेक कर लेता हूँ वीडियो सिलेक्ट करके वीडियो है कि नहीं है। कुल मिला के देखूँ तो सारे 1-2-3 वीडियो ही है, 3 वीडियो आ रहा है जो कि बहुत ही छोटा छोटा है। तो एड ब्रेक के लिए तो आपको मालूम है 3 मिनट, नहीं तो 3 मिनट के ज़्यादा वीडियो होना पड़ता है। मतलब ये पेज जो है ज़्यादा तक इमेज पोस्ट पे ही टिका हुआ है और उसका एंगेजमेंट इमेज पोस्ट से ही बना हुआ है। तो इमेज पोस्ट पे मैं आने के बाद मुझे जो मिस्टेक लगा है, ये जो सारे इमेज पोस्ट है एक भी ओरिजिनल पोस्ट नहीं है, ये सारे रीयूज्ड रीपर्पस्ड कंटेंट है। ये जैसे आप से फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हो, ये कोई मूवी का सेंस है जिसका इमेज है, तो ये जो इमेज है इस पे ऑनर का कोई वैल्यू नहीं है, ये दरअसल एक रीपोस्ट किया गया है कंटेंट को, ये रीयूज्ड कंटेंट के अंडर पे आता है। इस पे कितना भी पोस्ट पे लाइक आ जाए वैल्यू नहीं है इस पोस्ट पे, तो ऐसा कंटेंट आप डाल नहीं सकते हो। ऐसा कंटेंट डालोगे एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, पेज पे लाइक ज़्यादा होगा, मिलियंस ऑफ फॉलोअर होगा, मगर पेज मोनेटाइज नहीं होगा, ये तो पक्का है। ऐसे ही एक्टर एक्ट्रेस का फोटो इस पेज पे भरे पड़े है, और उसी के साथ ये जो इमेज है अभी ओपन करके दूंगा, ये दरअसल एक मैच्योर कंटेंट के अंदर पे आता है। ऐसे लड़की वाला इमेज जो है बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ये इमेज को मैंने बहुत सारे पेज पे ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो ये एक रीयूज्ड कंटेंट है, रीपर्पस कंटेंट है, रीपर्पस जनरेटेड कंटेंट है। तो ऐसा कंटेंट आप नहीं डाल सकते। उसी के साथ यहाँ पे लिखा है समवन प्लीज टैग, तो ऐसा अगर आप लोग एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ सेंसेशनल वर्क करोगे तो ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के अंडर पे आएगा, जिसका पेनल्टी इस पेज को भी मिलेगा। ऐसा कंटेंट डाल के क्रिएटर नहीं बन सकते, ऐसा कंटेंट डाल के पेज से पैसा इनकम नहीं होगा। ये सारे के सारे इमेज जो है कोई ना कोई मूवी का सेंस, कोई ना कोई मूवी का पिक्चर डाल के डाला गया कंटेंट है। तो आने वाले टाइम पे ये पेज का मोनेटाइज होने का चांस बहुत बहुत कम है। अगर एल्गोरिदम के पकड़ में नहीं आया तो शायद कुछ दिनों के लिए मोनेटाइजेशन हो जाएगा, मगर उसके बाद फिर से डीमोनेटाइज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे रिप्रोड्यूस कंटेंट है जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी ने डाल के रखा है कहीं ना कहीं पे, और ये जो कंटेंट है किसी ना किसी मूवी का सेंस है। तो फेसबुक का सिस्टम और मैनुअल टीम जब भी मोनेटाइजेशन के लिए आप अपील भेजोगे ये सारे चीज़ों को चेक करेगा, तो देखेगा ये जो सारे कंटेंट है वो कोई भी वैल्यू नहीं है इनमें, वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ पेस्ट किया हुआ कंटेंट है। तो ऐसा कंटेंट डाल के आप ये उम्मीद मत लगाओ कि आने वाले टाइम पे आपका पेज जो है मोनेटाइज हो जाएगा। और ऐसा जो आप लोग टैग लिखते हो, टैग योर फ्रेंड, टैग दिस इफ़ यू लाइक दिस टैग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ये सब जो आप लिखते हो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ये दरअसल फेसबुक के वायोलेशन है, पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते हो, ऐसा टैगलाइन भी नहीं लिख सकते हो, जो कि इस पेज पे भर भर के किया हुआ है। तो आने वाले टाइम पे बहुत ही कम चांसेस है इन स्ट्रीम ऐड के हवाले से ये पेज मोनेटाइज हो। ब्रांड कोलाब से शायद मोनेटाइज हो जाएगा, मगर ये भी श्योर नहीं है। अगर एल्गोरिदम के पकड़ में आएगा तो ये भी नहीं होगा। और कंटेंट ये सारे डिलीट करके अगर ओरिजिनल कंटेंट इस पेज पे डाला जाएगा तो ही ये पेज आगे जाके मोनेटाइज हो सकता है, नहीं तो मोनेटाइजेशन के लिए सोचिए भी मत। आशा करता हूँ आज के इस हेल्थ चेकअप से देखने वाले हर एक दर्शक को और इस पेज के ऑनर को काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।